गंगा वर्सेस मंगा। लालजी बहू मैजिकल एग्जिबिशन। एक दिन गंगा हॉल में बैठकर अपनी बेटी से बात कर रहे थे। हेलो माँ, बच्चों को 10 दिन की छुट्टी है ना? नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है कह रहे हैं माँ, तो भेज रही हूँ मैं। तू भी आ सकती है ना, 10 दिन तक रह कर जा। मैं नहीं आ सकती, नहीं होगा। आपके दामाद को ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों को भेज रही हूँ देखो। अच्छा, ऐसे बोलकर फोन रखती है। तभी मंगा आकर, कौन था? मेरे नात नातिन आ रहे हैं, बेटी ने फोन करके कहा। अच्छा हाँ, लेकिन तू फालतू के काम ना करके सीधे रहना। बच्चों के पास मैं क्या करूँगी सासू माँ? क्या पता उनको दिए हुए चॉकलेट्स भी छीन कर खा लेगी तू। अरे मुझे पैसों की लालच हो सकती है, लेकिन खाने की लालच नहीं है सासू माँ। हाँ हाँ देखते हैं। ऐसे वहाँ से उठकर जाती है। अगले दिन गंगा के नात नातीन सोनू और राधा आते हैं। सोनू मस्ती खोर था, घर पर आते ही खुदना शुरू कर दिया था उसने। सोनू को रोकने के लिए मंगा ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उससे नहीं हुआ। अरे बेटा सोनू, जरा रुको, यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। ऐसे दोनों को पास में बिठाती है। नानी हमें ये गांव दिखाओ ना। गांव? इस गांव में क्या है? अरे कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पिछली बार आने पर तो एग्जीबिशन लेकर गई थी ना, इस बार भी लेकर जाओ ना नानी। तभी गांव में एग्जीबिशन था इसलिए ले गई थी, अभी नहीं है ना, कैसे ले जाऊंगी? ये सब हमें नहीं पता, हमें तो एग्जीबिशन देखना है। एग्जीबिशन 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 ऐसे चिल्ला रहा था वो देखकर राधा भी। ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे कि उलझन में पड़ी गंगा। अरे 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 अरे, त्योहार पर बच्चों को भेज दो तो अभी नहीं माँ, कभी और भेजूंगी, ऐसे कहने वाली बेटी। फोन करके मैं बच्चों को भेज रही हूँ कहने पर ही शक हो गया था। इन बच्चों ने कितनी मस्ती की होगी, लेकिन इतनी मस्ती नहीं सोचा। ऐसे मन में सोच रही थी सोनू बिना छोड़े। नानी कब ले जा रही हो? और कभी क्यों, आज ही चलते हैं, चलो। ऐसे कहती है छुप कर सारी बातें सुन रही मंगा। हाँ, गांव में एग्जीबिशन तो नहीं, आसपास के गांव में भी नहीं, तो कैसे ले जा रही है? वैसे न जाने कहाँ ले जा रही है। ऐसे मन में सोच रही थी गंगा अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बक्सा ले आती है। दोनों बच्चे आश्चर्य होकर नानी को देख रहे थे। गंगा वो बक्सा लेकर घर के पीछे जाती है। उनके घर के पीछे बहुत खाली जगह थी। नानी के पीछे जा रहे दोनों बच्चे आश्चर्य होकर, नानी एग्जीबिशन को बोलकर तुम हमें घर के पीछे क्यों ले आई हो? रुको बेटा। ऐसे वो बक्सा वहाँ रखकर उस बक्से में से एग्जीबिशन की गुड़िया बाहर निकालती है। वो देखकर सोनू गुस्से से, नानी हमने एग्जीबिशन की गुड़िया नहीं मांगी, हमें एग्जीबिशन दिखाने ले चलो। ये एग्जीबिशन ही है, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें खोलकर देखोगे तो चमत्कार दिखेगा, बंद करो। ऐसे कहती है दोनों बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं। गंगा उस गुड़िया को जमीन पर रखकर वो भी आंखें बंद करके मन में कोई मंत्र पढ़ती है। आंखें खोलकर देखते ही खुश होते हुए, हाँ बच्चों अब आंखें खोलो। ऐसे कहते ही दोनों आंखें खोलकर देखते ही शॉक, उनके सामने बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। वो देखकर दोनों बच्चे, वाह नानी बहुत थैंक्स नानी, ये तो कितना खूबसूरत है। हाँ नानी मैं खेलता हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा खुश होकर उस एग्जीबिशन में सामान से खेल रहे थे। जाइंट व्हील, बच्चों का ट्रेन, घोड़ा गाड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें थे। वो सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। एक के बाद एक सब में बैठकर बहुत खेल रहे थे। नानी ये जाइंट व्हील कैसे घूमेगी, कोई घुमाने वाला तो है नहीं ना? तुम दोनों उसमें बैठकर घूम कहोगे तो घूमेगी, फिर से तुम रोको कहोगे तो रुकेगी। ऐसे कहती है दोनों बहुत खुशी से उस जाइंट व्हील पर बैठकर खेल रहे थे। ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्य हो गई मंगा। हर दिन ये सासू माँ मेरी उम्मीदों से ज्यादा मैजिकल।
उतने में ही उसे एक विचार आता है। अच्छा, इस एग्जीबिशन में अगर बाकी के बच्चों को भी आमंत्रित करें तो पैसे भी कमा सकते हैं। ये करते हैं। हाँ, अगर ये करूँगी तो बस खत्म, मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर, क्या रे यहाँ खड़े होकर कुछ सोच रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। तू यहाँ खड़े होकर वो एग्जीबिशन चुपचाप से देख रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है कैसे मान लूं? कुछ तो है, वो बात मैं बताऊँ तुझे? हाँ, क्या है सासू माँ, बोलिए। गांव के बच्चों को भी टिकट दे के यहाँ बुलाएंगे तो कैसा रहेगा, यही सोच रही थी ना? सासू माँ, वो ठीक है, ऐसे ही कर, लेकिन अगर किसी के पास से भी पैसे लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा, हाँ पैसे नहीं लेने तो क्यों उन सबको बुलाना, जरूरत नहीं। ऐसे वहाँ से जाती है। ऐसे गंगा के नात नातीन उन 10 दिनों तक उस एग्जीबिशन में बहुत ही धूमधाम से खेल रहे थे। एक दिन मंगा एक बड़े से घड़े में मक्खन बना रही थी, घुमा घुमा कर थक गई थी। ये क्या, जितना भी फेटू छांस से मक्खन नहीं निकल रहा। सासू माँ के आने से पहले उस घड़े से भी तो मक्खन निकालना है। कहकर उस तरफ देखा तो 4 और घड़े रखे थे। तभी आई गंगा ने उन्हें देखा। ये क्या लड़की, अभी तक एक भी नहीं हुआ। मेरे बाहर जाते समय जिस घड़े पर थी अभी भी उसी पर हो। हमारे जमाने में अपनी सास के जबान से निकलते ही 10 घड़े मक्खन निकाल देती थी, आजकल की बहू का कुछ पता नहीं। कहकर अंदर चली गई। बेचारी मंगा बहुत मुश्किल से दोपहर तक 3 घड़े मक्खन बना चुकी थी। हाय हाय, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओहो, मेरी कमर टूट गई भगवान। कहकर जब वो अपने पैर पकड़ रही थी तो गंगा को दया आई। कहकर अंदर गई और अपनी पुरानी पेटी से एक मथनी लाई और मंगा को दिया। ये मैजिक मथनी है, इससे एक बार छांक चलाई तो यूं माखन निकलेगा। ये क्या है, इससे तो मैं अपनी मथनी से माखन निकाल लूं। देखने में ऐसी ही लगती है पर काम दौड़ते घोड़े की तरह करती है। कहते हुए मंगा ने उस मथनी को घड़े में घुमाया। कहते ही मंगा ने मथनी चलाना शुरू किया और घड़ा भर माखन निकल गया। देखा, हाँ बन रहा है। कहकर उसने आश्चर्य से देखा। पहले ही दे देती, अब इस मथनी का क्या काम। कहकर अपने हाथ की मथनी लेकर तोड़ दी और मैजिक मथनी को चूमने लगी। अब देख कैसे इस्तेमाल करती हूँ तुझे। दूसरे दिन से मंगा ने उस मैजिक मथनी से माखन बनाना शुरू किया। इस तरह बनाते बनाते मंगा को एक आइडिया आया। मैं अपनी होशियारी से गांव की सारी औरतों से छाछ खरीद कर माखन बनाकर वापस उनको घी बेचूंगी, खूब सारा पैसा कमाऊंगी। उसने सोचा। सोचते ही गांव से सारा छाछ खरीदा और माखन निकाला और घी बनाकर बेचने लगी। कम पैसों में छाछ खरीद कर ज्यादा पैसों का घी बेचने से उसे बहुत फायदा होने लगा। दिन गुजरते गए और पैसा कमाने की लालच मंगा में बढ़ती गई। जितना भी घुमाओ 10 घड़े माखन से ज्यादा बन ही नहीं रहा। इसे एक मशीन जोड़ दूं तो सारा दिन चला सकती हूँ और बहुत सारा माखन निकालूंगी। उसने ऑनलाइन एक मशीन मंगा ली और मथनी को मशीन से जोड़ दिया और पहले से ज्यादा माखन निकाल कर ज्यादा पैसे कमाने लगी। ये क्या, इसमें संतुष्टि नहीं है, भागने के बाद दूध पीता भी है कोई इंसान। मंगा ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया।
ये तो ऐसी ही बोलती रहती है, घर उजाला रहते ही सवार लेना चाहिए। कहकर उसने फिर एक बार अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन अचानक से वोल्टेज ज्यादा होने के कारण एक जोर की आवाज आई और मशीन जल गई। उस मशीन के साथ मथनी भी टूट गई। ये देखकर मंगा डर गई। हाय, मेरी मशीन! हाय, अगर वो मैजिक मथनी होती तो कम से कम घर का काम तो आसान हो जाता। अब तो ना मेरी मथनी है ना मेरी मशीन, सब चला गया, मेरी जिंदगी ही खराब है। वह ऐसा कह ही रही थी कि गंगा ने दो और घड़े छाछ लाकर उसके सामने रखा। सुनो बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ये माखन निकाल देना, अगर नहीं किया तो घर में जो मिक्सी है ना उसे भी निकाल दूंगी और तुम्हें सिल बट्टे में सब पीसना पड़ेगा, समझी? कहकर वह बाहर चली गई। मुझसे इतनी मेहनत करवा रही हो सासू माँ, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। मन